नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ पुलिस लाइन एरिया में। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर बहुत बुरी समाज सेवी नरेश यादव ने यहाँ पर अपने खर्च पर यहाँ पर काम करवाया है और आज इसी का उद्घाटन है। एसपी मैडम श्रीमती नीतिका गहलोत यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। समाज सेवी नरेश यादव हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी, ठीक है आप? जी, दिवाली सबसे पहले तो आपको बताएं, बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से पूरी अलका वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, प्रदेश वासियों को, मेरी तरफ से, मेरे ग्राम वासियों की तरफ से, मेरे ग्रामवासियों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, और जो प्रेरणा स्रोत बने हैं हमारे लिए उनकी तरफ से भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी हाथ जोड़ के आज इस चैनल के माध्यम से एक विनती है कि दिवाली का जो पावन पर्व है वो घी के दीपक के साथ बनाया जाता है। पटाखों को इसे दूर रखना है और प्रकृति प्रेमी बन के रहना है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए प्रकृति का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब स्वस्थ रहेंगे जब ही इस त्यौहारों का मज़ा आएगा। सर आज यहाँ पर एसपी मैडम पहुँचेंगे श्रीमती नीतिका गहलोत, आपकी तरफ से यहाँ पर विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत थी, मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारा गाँव बहुत सुंदर बनाया है, प्रदेश के अंदर नंबर वन गाँव हमारे गाँव के युवाओं ने बनाया है, और उन युवाओं पे आज हर आदमी का एक विश्वास बना है कि ढाणा खुर्द के युवा आज हर चीज़ का बदलाव कर सकते हैं। उसी क्रम में हमारे से पुलिस डिपार्टमेंट ने ये आस जताई कि भाई आशा की कि यहाँ पे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जवान हैं जो 24 घंटे, आज दिवाली का त्यौहार है, आप देखिए सब लोग दिवाली का त्यौहार अगर चिंता मुक्त होकर मना रहे हैं तो इन जवानों की वजह से मना रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी करके ये हमारी सुरक्षा करते हैं। तो जनता का भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन वो हमारी चिंता रखते हैं तो उनकी चिंता रखने वाला भी होना चाहिए। तो जनता के हर एक एक बच्चे का ये फर्ज बनता है कि जो हमारे सेवक हैं डे नाइट हमारी सेवा करते हैं, हम उनकी रहनुमाई में अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ करके दिखाएं। हमें पता चला कि ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर की डिमांड आई, फिर मैंने आके यहाँ देखा कि वाटर कूलर लगाने की तो यहाँ जगह ही नहीं है, मतलब इतना बुरा हालात था यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी टेम्परेरी पुलिस लाइन है, आने वाले टाइम में जब नई पुलिस लाइन बन जाएगी तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो हमने आके यहाँ देखा तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे जो जवान 24 घंटे ड्यूटी करके आते हैं उनको यहाँ आने के बाद थकान फील ना हो, वह यहाँ का इन्वायरमेंट देख के एकदम उनकी थकान उतर जाए, ऐसा माहौल हम तैयार करें। और राणा खुर्द के सभी युवाओं ने मिलके एक प्रण लिया और एक महीने के अंदर इस पुलिस लाइन का बदलाव कर दिया गया। जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ देखे आप पहुँचते हैं। मैं ये पूछता हूँ संजीत जी, सरकार क्यों जिम्मे ही सब कुछ क्यों है? सर ग्रांट तो सरकार के पास बहुत आती है, सरकार का फर्ज बनता है। सरकार ग्रांट अपने घर तो रखेगी नहीं, सरकार ग्रांट कहीं ना कहीं लगा रही होगी, हर काम सरकार की जिम्मे नहीं छोड़ना है हमने, हर काम सरकार की जिम्मे नहीं होता है, पब्लिक की भी जिम्मेवारी है, पब्लिक भी काम करे सरकार भी काम करे और देश तरक्की करेगा। क्या प्लानिंग है आगे, क्या करना चाह रहे हैं? प्लानिंग जो भी आज यहाँ डिमांड आई यहाँ करने जा रहे हैं, आगे जो प्लानिंग और आएंगी और आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दो, यही समाज सेवी नरेश यादव ने डाणा खुर्द गांव में अच्छे विकास कार्य करे, उसके बाद जीतपुरा गांव में सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो उसके बाद समाज सेवी नरेश यादव खुद पहुंचे, उन्होंने वहां पर विकास कार्य शुरू करवाए। फिलहाल यहां पर संजय सिंगला जी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। सर क्या कहेंगे आज यहां पर पुलिस लाइन का उद्घाटन, नरेश यादव समाज सेवी यहां पर विकास कार्य कर? आज के दिव्य और महान पर्व पर आप सभी को विशेष तौर से नरेश, मेरा अजीज, मेरा छोटा भाई, इस एरिए का बहुत ही होनहार साथी को मैं आप सभी की ओर से, पूरे नगरवासियों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, उनका हृदय की गहराइयों से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान उनको ऐसी शक्ति दे, उनको ऐसे गुणों से भरपूर करे, वो इसी तरह डाणा खुर्द से निकलकर पूरे हांसी के सभी वार्ड, हलके के जितने भी गांव हैं 55-60, सभी में ऐसे काम करे। मेरी भी इच्छा थी, मैं भी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था काफ़ी समय से, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे एरिया में मिले जो निस्वार्थ, बिना लोभ, बिना लालच,
अपना सब कुछ समर्पित करके हांसी के एरिए की सेवा करे, क्योंकि हांसी हमारा है ना इतिहास, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारा हरियाणा लगा है, हांसी की किसी ने भी दिल की गहराइयों से सेवा नहीं की। इसमें हांसी की जनता ये देखना चाहती है, इसमें देख रही है कि ये हांसी की जनता का वाकई में इतिहासी काम करेगा, एजुकेशन पे काम करेगा, ये सफाई व्यवस्था पे करेगा, वृक्षारोपण पे काम करेगा और भाईचारे को भी बढ़ाएगा। ये व्यक्ति द्वेष भावना वाला व्यक्ति नहीं है, मैंने इसमें निजी। तो ये थे संजय सिंगला, फिलहाल गांव ढाणा खुर्द में अपने खर्च पर बहुत विकास कार्य करवाए। उसके बाद गांव जीतपुरा में भी अब उन्होंने विकास कार्य के काम शुरू करवा दिए। आपको बता दूं कुछ दिनों पहले उन्होंने लाइटों का भी उद्घाटन कर दिया है, अब वहां के रोड बनाए जाएंगे। नरेश यादव खुद अपने खर्च पर यह काम करवा रहे हैं। आगे अभी SP मैडम नीतिका गहलोत भी यहाँ पर पहुँचेगी, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। रेनोवेशन में अपना सहयोग करा है, उसके लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं। और ये बाकी समाज के लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि किसी न किसी तरीके से हम अपना इनपुट देते रहें तो हम सभी खुश रहेंगे। ये बताया गया कि ये सिर्फ वाटर कूलर के लिए कोई इनको कहा गया था, वाटर कूलर सिर्फ छोटी सी डिमांड थी, उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट बदल गया। जी इन्होंने ये हमेशा करते रहते हैं, पुलिस के साथ कोरोना में भी साथ में थे, कोऑर्डिनेशन रहता है। हम लोग भी आगे बढ़ के काम करते हैं, ये लोग भी हमारे साथ पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ किसी न किसी तरीके से सहयोग करते हैं। आज दिवाली मिलन समारोह भी कर रहे हैं आप जी, और सभी अपने माथा अधिकारियों से भी आप मिलाप करेंगे और खुशामदीद भी करेंगे, बधाई भी देंगे। शहर वासियों से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए एक तो सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद करती हूँ, आप लोग आए, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवारों को। और इसी तरीके से मैं शहरवासियों को भी दिवाली की सबसे पहले शुभकामना देती हूँ, अपने पुलिस परिवार के साथ दिवाली की शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को, हांसी जिले के शहरवासियों को। और बस उम्मीद करती हूँ कि खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हांसी जिले का लॉ एंड ऑर्डर इसी तरीके से बरकरार रहे, शांति रहे, और हम सब बस फलें फूलें और सभी ठीक रहें। शुक्रिया मैडम।